हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 69,000 वैकेंसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है, देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती जल्द जारी होगी फाइनल आंसर की। 69,000 शिक्षक भर्ती का पहला विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया था और पिछले साल जनवरी में परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा के ठीक एक दिन बाद 7 जनवरी को जारी हुए कटाफ के खिलाफ शिक्षा मित्र सहित कुछ अन्य अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। इस आदेश में 60-65 न्यूनतम कटाफ तय किया गया था, जबकि शिक्षा मित्र पिछली भर्ती की तरह 40-45 कटाफ चाहते थे। 29 जनवरी 2019 को कोर्ट ने शिक्षा मित्र के पक्ष में फैसला दिया तो फिर सरकार उसके खिलाफ विशेष अपील में चली गई। पिछले साल जनवरी में हुई परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद आंसर की जारी की गई थी। अभ्यर्थियों ने 8 सवालों के जवाब पर आपत्ति की है। सूत्रों की माने तो स्क्रूटनी के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी 3 सवाल गलत मान रही है। यदि ऐसा हुआ तो इसके नंबर सभी को मिलेंगे। फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को आंसर की जारी करने की अनुमति मांगी गई है। हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी विभाग को मिल चुकी है। इसके आधार पर आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी करने की तैयारी है। दूसरी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल करेगा विभाग। सूत्रों की माने तो बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया बाधित करने की हर आशंका को दूर करने पर काम शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी ने विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यूपी सरकार का पक्ष भी समय से सुनिश्चित ढंग से रखा जा सके। शिक्षा मित्र संगठन फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभाग नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया लंबी खिंचन के चलते भर्ती फंसे, इसलिए वह सभी विधिक संभावनाओं को खुले रखना चाहता है। तो दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या कोई भी सुझाव देना है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।